नमस्कार, जय जगन्नाथ। समस्त वेलकम करुच्ची मोर आउ एक नुआ भिडे। आशा करुच्ची आपण समस्ते भलर थे, प्रिपेरेसन भी भलर चल थो। तो चलते स्टार्ट करवा आज भिडियोटी। तो भिडियो स्टार्ट करने पूर्व जो क्वेश्चनटा पचारे तार आंसरटा देखने देखु। आमर क्वेश्चनटा कौन थी देखु, इंडिया बिकम स्मॉल पॉक्स फ्री ऑन। आमर इंडिया केबे स्मॉल पॉक्स रु पूरा कौन फ्री होता। तो आमर ऑप्शन कौन थी देखु, आमर ऑप्शन कौन थी देखु, ऑप्शन ए रे थिला 1960, ऑप्शन बी रे थिला 1975, ऑप्शन सी रे थिला 1993, ऑप्शन डी रे थिला 1994। आमर राइट आंसर कोटा ना, राइट आंसर टी ऑप्शन बी 1975। तो आमर जे राइट आंसर दे फास्ट जे देखते जुक्ता कहर, कंग्राचुलेसन जुक्ता कहर। तो समस्ते प्राय राइट आंसर दे, तो समस्त कंग्राचुलेसन। एमती क्वेश्चन आंसर दिंतु। तो आज मुझे नहीं आसी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग रो किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोड़ा एग्जाम रे आमर हेल्प हम। तो चलन स्टार्ट करवा आज क्वेश्चन। आज प्रथम क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ पेडियाट्रिक। पेडियाट्रिक रो आमर फादर के बोली ये क्वेश्चन पचार। ऑप्शन कौन दे देखु, आमर ऑप्शन ले कौन दे देखो, तो ऑप्शन ए रे देला अगस्ट कमेंट, ऑप्शन बी रे देला सुश्रुत, ऑप्शन सी रे देला अब्राहम जैकोबी, ऑप्शन डी रे देला नन ऑफ द एबव। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेडियाट्रिक रो फादर किए कहतु समस्ते। आम राइट आंसर टी हम ऑप्शन सी अब्राहम जैकोबी। पिक्चर टी देखु, फादर ऑफ पेडियाट्रिक रे होंगे अब्राहम जैकोबी। तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन थी, द मदर जेनेली फिल द आक्टिव फिटल मोमेंट फास्ट आट द एंड अफ। मैंने कौन क्वेश्चन कहला, मदर व माँ के फिल करती फिटल मोमेंटा, मैंने कौ मसर शेष बेलू से फिल करती क्वेश्चन पचार। तो कहतु आमर ऑप्शन कौन दे देखु, ऑप्शन ए रे देला 16th week, ऑप्शन बी रे देला 12th week, ऑप्शन सी रे देला 10th week, ऑप्शन डी रे देला 14th week। तो कहतु मदर जनरली केबे फील करि पारंती फिटल मोमेंटा, कहतु या भितर कौट राइट आंसर हम आमर कहतु सब। तो आम राइट आंसर टी हम ऑप्शन ए 16th week। 16th week बेलू मदर आमर कौन फिल करती फिटल मोमेंटा, आमर फिल करती मानने बेबी कौन एपट सेपट सब कौन मुमेंट कै, तो से मुमेंटा को मदर फिल करती। तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन कौन देला, इफ ए बेबी बर्न विथ बाथ वेट इज 2.9 kg, देन इट मीनस बेबी इज। मैंने कौन कहला क्वेश्चन, जड़े बेबी जन्म होगा बेले वेटा के 2.9 kg, ता माने ये कौन शो करोली आमर क्वेश्चन पचार। तो कहतु 2.9 kg हेले आमर कौन नॉर्मल अबनॉर्मल ना कौन, ऑप्शन देखु कौन देला। ऑप्शन ए रे देला LBW मीन्स लो बर्थ वेट, ऑप्शन बी रे देला VLBW माने वेरी लो बर्थ वेट, देन सी रे देला स्मॉल फॉर दैट, देन सी रे देला आमर नॉर्मल बर्थ वेट। तो कहतु आमर इयर भितर राइट आंसर कौटा हम, जन्म समय जदि वेटा आमर 2.9 kg थी तेल आम मानने बेबी कौन बोली आम धरिया, ये भितर कौटा राइट आंसर हम कहतु। आम राइट आंसर टी हम ऑप्शन डी नॉर्मल बर्थ वेट, कहीं आमर इंडिया रे कौन धराई आमर नॉर्मल बेबी के जन्म हेले 2.5 kg रु 3 kg हेले आमर से नॉर्मल वेट बोली आमर जना हो। तो ये 2.9 kg अच्छी, तो 2.9 kg टे आमर 3 kg भितर रोच, तो सेटा आमर नॉर्मल बर्थ वेट रे जीव। ए पिक्चर टी देखु आमर नॉर्मल बर्थ वेटा के 2.5 kg रु 3 kg होची आमर नॉर्मल बर्थ वेट। से भाई LBW मीन्स लो बर्थ वेट के 2.5 kg रु लेस हम ताल आमर से LBW ले जीव, जदि आमर के 1500 g रु आहरी कम जीवे से कौन धरा हम भेरी लो बर्थ वेट बा VLBW भेरी लो बर्थ वेट। आदि 1000 तौक जीव ताटा कौन एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, से ELBW कह जाए एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। तो ये मन रखिए LBW नॉर्मल कोरा रैंग अनुसार मन रखिए। तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन।
चार नंबर क्वेश्चन कौन देला इन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्हिच स्टेज इज कंसीडर इन्फेंसी ग्रुप माने एटी कौन क्वेश्चन देला आमर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अछि को स्टेजटा को बा को केते ईयर को आमर इन्फेंसी ग्रुप बोली आमे कहू छे तो ऑप्शन कौन देला देखंतु बहुत इजी क्वेश्चन अछि ए रिलेटेड रे क्वेश्चन निहाती पड़िबो तो मन रखिबे समस्ते तो ऑप्शन देखंतु हमरा ऑप्शन ए रे देला 0 टू 28 डेज ऑप्शन बी रे देला 28 डेज रु 1 ईयर देन सी रे देला हमरो 1 ईयर टू 3 इयर्स ऑप्शन डी रे देला 3 टू 6 इयर तो कोहंतु हमरो इन्फेंसी ग्रुपटा या भितर कोटा हबो तो कोहंतु सब तो हमर राइट आंसर टी हबो ऑप्शन बी 28 डेज रु देन टू 1 ईयर पर्यंत हमरो जो ग्रुपटा जियो सेटा कुआ जे इन्फेंसी माने रखिबे 28 डेज टू 1 ईयर पर्यंत जो एजटा रहइबो सेटा को हमरो इन्फेंसी ग्रुप रे जिवो तो सेबले ए चारटा देखंतु हमरो ए पिक्चर टी हमरो प्रीनेटल पीरियड आउ पोस्टनेटल पीरियड प्रीनेटल पीरियड मींस मा पेट रे थिबो छुआटी सेतेबेला हमरो प्रीनेटल को हाउची पोस्टनेटल जेतेबेला डिलीवरी हिसारिबो सेता हमरो पोस्टनेटल पीरियड को हाउची तो देखंतु शिशुटी जेतेले फास्ट ओबुम काउ को हाउची तो ओबुम होची हमरो कोन 0 टू 14 डेज आफ्टर कंसेप्शन हमरो जेतेबेला कंसीव करिवार 0 रु 14 डेज टा को हमरो कोन को हाउची ओबुम को हाउची सेपरि एम्ब्रॉय काउ को हाउची ना 14 डेज टू 8 वीक को हमरो कोन को हाउची एम्ब्रॉय देन फिटस का कहुची ना 8 वीक टू बर्थ जन्म होबा पर्यंत सेटा को हमर कोन कहुची फिटस माने रखिबे 8 वीक टू बर्थ पर्यंत जोटा को आउची सेटा हमर फिटस देन पोस्टनेटल माने कोन डिलीवरी पारे जोटा सेटा हमर कोन कहुची देखंतु न्यू बॉर्न बा न्यू नेट 0 रु 28 डेज को हमर कोन कहुची न्यू नेट बा न्यू बॉर्न देन सेमती इन्फेंसी हमर क्वेश्चन जाथिला 28 डेज टू 1 ईयर 28 डेज रु 1 ईयर पर्यंत जो ग्रुप टा जाची सेटा हमर कोन कहुची इन्फेंसी देन टोडलर हमर 1 ईयर टू 3 ईयर हमर एटा प्राय क्वेश्चन ले पड़े टोडलर एज टा को ईयर रे जाउची तो 1 ईयर रु केते 3 ईयर पर्यंत जो एज टा जाउची हमर सेटा होची हमर टोडलर देन प्री स्कूल हमर 3 ईयर टू 6 ईयर 3 ईयर टू 6 ईयर हला हमर प्री स्कूल स्कूल रे हमर कोडा ना 6 ईयर टू 10 ईयर 6 ईयर टू 10 ईयर हला हमर स्कूलर माने एडोलसेंट केडा ना एडोलसेंट होची हमर पीबीओ टू एडल्टहुड पीबीओ टू एडल्टहुड सेटा हमर केते होची ईएलडी ईएलली एडोलसेंट देन मिडिल एडोलसेंट देन लेट एडोलसेंट ईएलली एडोलसेंट हमर 12 टू 14 ईयर देन मिडिल एडोलसेंट हमर 14 टू 16 ईयर्स देन लेट एडोलसेंट जोटा हमर 16 टू 20 ईयर माने रखिबे ए शेड्यूलटा बहुत इंपोर्टेंट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग रो एटा होची मेन स्टेजेस अनुसार हमर जो इन्फेंसी टोडलर प्री स्कूल स्कूल गोइंग ए सब माने रखिबे एरा बहुत इंपोर्टेंट तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन पांच नंबर क्वेश्चन कौन देला चाइल्ड सर्वाइवल एंड स्टेप मदरहुड प्रोग्राम वाज रिप्लेस बाय व्हिच प्रोग्राम इन इंडिया आमर कौन कहला एटी क्वेश्चन आमर को प्रोग्राम रे आमर जो रिप्लेस करा हेतला चाइल्ड सर्वाइवल आ स्टेप मदरहुड सेटा आमर को प्रोग्राम रे सेटा को रिप्लेस करा हेतला आमो इंडिया रे तो ऑप्शन कौन देला देखंतु ऑप्शन ए रे देला एमसीएच ऑप्शन बी रे देला एनआरएचएम ऑप्शन सी रे देला आईसीडीएस ऑप्शन डी रे देला आरसीएच तो कोहंतु हमरो चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड टा को प्रोग्राम रे हमरो या भितरु रिप्लेस करा हेतला कोहंतु एमसीएच ना एनआरएचएम ना ऑप्शन सी आईसीडीएस ना आरसीएच कोहंतु या भितरु कोडा हमर राइट आंसर हबो या भितरु कोटी हमरो जाउ चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड ता अंडर रे कोडा कोहंतु सब हमर राइट आंसर टी हबो ऑप्शन डी आरसीएच बा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ से अंडर रे हमर कोटा जाउची चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड सेटा केबे हेतला हमर आरसीएच प्रोग्राम टा हम इंडिया रे केबे लॉन्च हेतला ना एप्रिल 2005 रे हमर आरसीएच प्रोग्राम टा हम इंडिया रे लॉन्च हेतला ता अंडर रे हमर चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड टा जाउची तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन छः नंबर क्वेश्चन कौन देला फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन इन्फेंट्स अफेयर माने हमर जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिसटा इन्फेंट मानकर केबे देखा जाए तो कहंतु सब हमर ऑप्शन कौन देला देखंतु
ऑप्शन ए रे दला एट बर्थ, ऑप्शन बी रे दला विथिन फर्स्ट वीक ऑफ बर्थ, ऑप्शन सी रे दला इन सेकंड वीक ऑफ बर्थ, ऑप्शन डी रे दला नॉन ऑफ द अबव। तो कहंतु हमर जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस टे हमर इन्फेंट मानकर या भीतर केबे हमर देखा जाए, कहंतु या भीतर कोटा हमर राइट आंसर हबो। हमर राइट आंसर डी हबो ऑप्शन बी विथिन फर्स्ट वीक ऑफ बर्थ, बर्थर फर्स्ट वीक रे हमर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस टा देखा जीवो। तो चलन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। सात नंबर क्वेश्चन कौन दला बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोस फिटल एज इज, हमर कोटा बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जोडा कि जहाद्वारा हमर कौन फिटल एज टा जानि परबा। तो को डायग्नोसटा कले आमर बेस्ट हबो जोटा आमर फिटल एजटा जानिया परबा। तो ऑप्शन कोन देखंतु हमरो ऑप्शन ए रे दला एक्सरे, ऑप्शन बी रे दला सीरियल अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन सी रे दला फंडल हाइट मेजरमेंट, ऑप्शन डी रे दला ऑल ऑफ द अबव। तो कहंतु आमर कोटा आमर बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जहाद्वारा आमर फिटल एजटा आमे डायग्नोस करि परबा। तो कहंतु या भितर कोटा राइट आंसर। आम राइट आंसर टी हम ऑप्शन बी सीरियल अल्ट्रासाउंड, सीरियल अल्ट्रासाउंड द्वारा आमर कौन इन्वेस्टिगेशन करिले आमर कौन डायग्नोस कर फिटल एजटा, यहाँ हूँ आमर बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ले जाउची अल्ट्रासाउंडटा। तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। आठ नंबर क्वेश्चन दला डैश मीन्स ह्विच किल्स वर्म्स, वर्म बा कुर्मी मानू जो किल करे ताको आम कौन कौचे, तो कौटा को आम इंग्लीश वर्डटा यूज करचे। ऑप्शन देखंतु कौन दला, ऑप्शन ए रे दला एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी रे दला एंटी हेलमिंथेटिक, ऑप्शन सी रे दला एंटी एमटिक, ऑप्शन डी रे दला एंटी सिपेट। तो कहंतु आमर कोटा राइट आंसर हबो, कोटा आमर कहा माने आमर किल्स वार्म माने कुर्मी मानक जो किल करते या भितर कोटा ता माने। तो कहंतु सब आम राइट आंसर टी हम ऑप्शन बी एंटी हेलमिंथेटिक, एंटी हेलमिंथेटिक मैंने किल्स वार्म मन रखिए किल्स वार्म है एंटी हेलमिंथेटिक। से एंटीबायोटिक कौन, एंटीबायोटिक हूँ जो मेडिसिन यूज करा जाए आम कौन बैक्टेरिया को डिस्ट्रॉय करने आम जो बैक्टेरिया को सब किल करने आम जो मेडिसिन यूज करे से एंटीबायोटिक आमर इनफेक्शन को क्योर करती। से भाई एंटी एमटिक मैंने कौन जोटा आम वोमिटिंग फोमिटिंग यूज कराटा हूँ आमर एंटी एम टिक आउ आंटीसेप्ट जानते। तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नौ नंबर क्वेश्चन कौन था देखु इन वार्म इन्फेस्टेशन एंड इन एनीमिया इन चिल्ड्रेन द स्पेसिमिन कलेक्टेड एंड एग्जामिन इज डैश, मैंने ये कौन कहला आमर जो वार्म इन्फेस्टेशन अच्छी आउ एनीमिया अच्छी से चिल्ड्रेन को आम तार स्पेसिमिन कौन कलेक्ट करवा एग्जाम आमर जो डायग्नोस आम सब कौन कलेक्ट करवा जहाँ को आम जापर कौन वार्म आउ एनीमिया। तो ऑप्शन कौन दला देखु ऑप्शन ए रे दला स्टूल, ऑप्शन बी रे दला यूरिन, ऑप्शन सी रे दला ब्लड, ऑप्शन डी रे दला स्पुटम। तो कहतु आम एग्जामिन कौटा या भितर कलेक्ट कर चिल्ड्रेन को जदि कौन वार्म इन्फेस्टेशन हो आउ एनीमिया है। तो या भितर कौटा आम कलेक्ट करवा कौ स्पेसिमिन कलेक्ट करवा एग्जामिन कहतु सब। तो आम राइट आंसर टी हम ऑप्शन ए स्टूल, स्टूलटा आम कौन एग्जाम आम नवा जदि वार्म इन्फेस्टेशन आउ एनीमिया अच्छी चिल्ड्रेन मानकर आम स्टूल एग्जाम करवा। जदि यूरीन जदि यूरीन इन्फेक्शन थी कि रिलेटेड रे किसी इनफेक्शन थी तेल आम यूरीन टेस्ट जाए, ब्लड रिलेटेड इनफेक्शन थे कि ब्लड टेस्ट आम जानापाई जदि किसी हम तेल आम ब्लड सांपल कलेक्ट करवा। से भाई स्पुटमटा आमर जब टीबी फिबी थी कि अलग किसी कज पर डक्टर आडभाइस करते स्पुटम टेस्ट पर। तो ये जानवे छोट छुआ मानकर एनीमिया आउ वार्म इन्फेस्टेशन आमर कौन स्टूल एग्जामिनेशन हो। तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन कौन दला डैश आर प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, आमर कोलेस्ट्रम कौन प्रेजेंट था, बहुत इजी क्वेश्चन अच्छे। तो ऑप्शन कौन दला देखु ऑप्शन ए रे दला फैट सॉल्युबल, ऑप्शन बी रे दला वाटर सॉल्युबल, ऑप्शन सी रे दला बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी रे दला नॉन ऑफ द अबव। तो कहतु आमर कोलेस्ट्रम कौ विटामिन आमर प्रेजेंट थाए कौ सॉल्युबल कहतु सब।
आम राइट आंसर कौटा ना राइट आंसर है ऑप्शन ए फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल टा आम प्रेजेंट थाए कौट कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम टा आम फैट सॉल्युबल थाए से आम वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल कौरा देखु फैट सॉल्युबल आम कौरा ना ए डी ई के आ वाटर सॉल्युबल गुरा कौरा ना बी आउ सी। फैट सॉल्युबल मन रखे ए डी के वाटर सॉल्युबल बी सी तो आम कोलेस्ट्रॉम प्रेजेंट अच्छे ए डी ई के। तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कौन दला व्हेन द बॉडी मास इंडेक्स बा बीएमआई इज लेस देन 18.5 इज इंडिकेट। आमर जदि जो बीएमआई टा जदि 18.5 रु लेस देन हैला ताहले आमर सेटा कौन इंडिकेट करछि बोली क्वेश्चन पचार छि। तो आमर ऑप्शन कौन दला देखंतु ऑप्शन ए रे दला ओवरवेट, ऑप्शन बी रे दला नॉर्मल वेट, ऑप्शन सी रे दला ओबेसिटी, ऑप्शन डी रे दला मालन्यूट्रिशन। तो कहतु आम जब 18.5 रु लेस देन हैला सेटा आमर कौन इंडिकेट करछि बोली पचार छि। तो कहतु या भितर कोटा राइट आंसर मोर राइट आंसर टी हम ऑप्शन डी मालन्यूट्रिशन। मन रखिए 18.5 रु लेस देन हेले सेटा को हमरो मालन्यूट्रिशन ले गणाबो। तो चलो जीवा देखिबा बीएमआई रो इंडिकेट सब कोन कोन। तो देखंतु ये होची हमरो बीएमआई टैग टा हमरो एटा छोटो छुआ मानकर कोन बीएमआई चेक करा जाय बॉडी मास इंडेक्स। हमरो देखंतु कलर कोडिंग सब अछि कलर रेड येलो ब्लू ग्रीन सब अछि। तो देखंतु हमरो बीएमआई रो कलर कोन सब देले कोटा हमरो चेबो ब्लू कलर जदि सेटा हमरो आसीबो ताहाले सेटा अंडरवेट, जदि ग्रीन कलर आसीबो सेटा हमरो नॉर्मल वेट, देन येलो आसले सेटा हमरो ओवरवेट जीवो, आ जदि रेड आसीबो सेटा ओबेस रे जीवो बा ओबेसिटी रे जीवो मोटापण। तो मन रखंतु कलर अनुसार आमर केउटा नॉर्मल कोउटा आमर ओवर कोउटा आउ कौन आमर ओबेस आमर कौन 18.5 रो लेस थिला तो सेथिपई सेटा आमर कौन माल न्यूट्रिशन जाउची बा अंडरवेट रे जाउची। तो देखंतु ए पिक्चर टा रे देखो आमर वेट अनुसार केमी आमर बॉडी मास येटा आमर मपा जाउची केजी पर कौन मीटर स्क्वायर आमर ये कराई। तो देखो आमर वेट स्टेटस अंडर वेटा के 18.5 रु बिलो लेस देन हम से अंडर वेट्रे जीव। नॉर्मल रैंकटा आमर के 18.5 रु आमर 24.9 टा होची आमर नॉर्मल रैंक। आ ओवर वेटा कौटा जदि 25.0 रु 29.9 रु अधिक रहिला सेटा हमरो ओवर रह। तो ओबेस कोटा जो मोटापण कोटा सेटा हमरो ग्रेटर देन 30, जदि 30 रु अधिक रहिला सेटा हमरो ओबेस रे जीवो। ओबेस टा हमरो तीनटा क्लास रे ये कला आई डबल आई ट्रिपल आई। तो देखंतु से आंसर रे फर्स्ट आई रे कोन दला 30.0 रु 34.9 रु होची हमरो ओबेस फेज क्लास 1, देन क्लास 2 रे हमर जाउची 35.0 रु 39.9, देन ओबेस ट्रिपल आई रे जाउची ग्रेटर देन 40। तो मन रखिबे हमरो प्रायत अंडर वेट नॉर्मल ओवर वेट ए 4-5 मन रखिबे एटा हमरो क्वेश्चन पड़े। तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कौन दला व्हाइल टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम द रेक्टल रूट इन चिल्ड्रेन थर्मोमीटर शुड बी इनसर्ट। माने से कौन कहला क्वेश्चन कौन कहला जिते हमरो टेम्परेचर मेंटेन करछंती जने चिल्ड्रेन करो रेक्टल रूट रे हमरो केते इंच हमरो पसेबा इनसर्ट करबा रेक्टल ले थर्मोमीटर को। तो हमरो ऑप्शन कौन दला देखंतो ऑप्शन ए रे दला 1.5 इंच, ऑप्शन बी रे दला 2 इंच, ऑप्शन सी दला 1 इंच, ऑप्शन डी रे दला 0.5 इंच। तो कहतु आमर रेक्टल रूट रे जदि आमे टेम्परेचर मेंटेन करछंती आमे केते इंच आमर इनसर्ट करिबा। तो कहतु तो आम राइट आंसर टी होची ऑप्शन सी 1 इंच। आम जितने रेक्टल रूट रे आम थर्मोमीटर एंटर करते 1 इंच पसेबा। तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कौन दला न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट इज कैलकुलेटेड बाय एस्टिमेटिंग द नंबर न्यूबॉर्न डेथ विदिन डैश डेज। आमर क्वेश्चन कौन दला जो न्यूनेटल मोर्टालिटी रेटा आमर जो कैलकुलेट करा जाए सेटा आमर केते दिन को आमर न्यूनेटल डेथ बोली आमे सेटा को कहूचे। तो कहतु ऑप्शन कौन दला देखंतु ऑप्शन ए रे दला
24 आवर्स, ऑप्शन बी रे देला 28 डेज, ऑप्शन सी रे देला 1 वीक, ऑप्शन डी रे देला 1 ईयर। तो कहतु आमर जो न्यूनेटल मोर्टालिटी रेटा आम जो कैलकुलेट करते दिन भितर आम से काउंट कर सब आम राइट आंसर टी है 28 डेज। आमर 28 डेज रे जदि जड़े शिशु मृत्यु करमर न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट रे आम काउंट हम आम कैलकुलेट करवा। तो आम जो न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट आम कमी कैलकुलेट करवा चलो देखिए देखु आम एनएमआर आईएमआर बाहर करार सूत्रटा आम फास्ट एनएमआर मान न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट देखो आम कौन तार सूत्र रहा नंबर ऑफ डेथ अंडर 28 डेज ऑफ एज बाय नंबर ऑफ लाइफ बर्थ ड्यूरिंग द सेम पीरियड इनटू 1000 मन रखिए तार सूत्रटी। देन आईएमआर कौन नंबर ऑफ डेथ टू चिल्ड्रेन बिलो 1 ईयर ओल्ड बाय नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इनटू 1000 मन रखिए तार सूत्र आईएमआर एनएमआर। तो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कौन देला इफ ए बेबी बर्थ वेट इज 3 kg देन एट द एज ऑफ 5 मंथ वेट ऑफ द बेबी शुड बी माने एटी कौन कहला जन्म समय 3 kg जिते बेबी 5 मंथ रही बेबी रो वेट के क्वेश्चन पचार। तो देखु आम ऑप्शन कौन देला कौटा ऑप्शन ए रे देला 5 kg ऑप्शन बी रे देला 3 kg ऑप्शन सी देला 7.5 kg ऑप्शन डी देला 9 kg। तो कहतु आम या भितर राइट आंसर कौटा 5 मंथ है बेलू से केते वेट गेन कर आम राइट आंसर हम 6 kg आम जो 5 मंथ हम तार केते बेबी केते वेट गेन कर 6 kg। तो देखु केमी है देखु आमर एज अनुसार केमी तार वेटा बढ़ुची। तो देखु बार्थ बेले नर्माल जी वेट तार थी से 5 रु 6 मंथ है बेलू से डबल होमती 1 ईयर बेलू से ट्रिपल होमती क्वाडली एमती बढ़ी 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 जीव मन रखिए डबल कौ मंथ रे हो ट्रिपल कौ ईयर रे हो प्राय एग्जाम पढ़े। तो फास्ट जो 1 2 3 यही फास्ट आड़ 3 4टा मेन मेन से मन रखिदे ताड़ को। तो आम क्वेश्चन पचार कौन 5 मान 3 kg होता 8 बार्थ रे तो तार 5 मंथ रे केते मैंने वेट गेन हो क्वेश्चन पचार। तो 5 रु 6 मंथ भितर सी कौन डबल हम तो 3 kg थी डबल हो गल के 6 kg। तो आम राइट आंसर टाला 6 kg से भाई आप सब क्वेश्चन आंसर दे पारे। तो चलो जावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखु 15 नंबर क्वेश्चन कौन देला द बर्थ वेट ऑफ ए बेबी 8 ये सेम क्वेश्चन जस्ट एवं आम रिसेंट कहले जमी डबल को एज रे हुए 3 को एज रे हुए पूरा नॉर्मल अच्छी। तो ऑप्शन कौन देला देखु ऑप्शन ए रे देला 9 मंथ ऑप्शन बी रे देला 12 मंथ ऑप्शन सी रे देला 18 मंथ ऑप्शन डी रे देला 15 मंथ। तो कहतु आमर के 3 हुए बेबी रेटा कहतु सबू या भितर कौटा आंसर आम राइट आंसर टी हम ऑप्शन बी 12 मंथ बा 1 ईयर आम से पढ़ी थी आमर 5 रु 6 मंथ भितर कौन डबल हम 3 आमर के 1 ईयर भितर हम तापर आम 2 3 ईयर बेलू बढ़ी 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 बढ़ी, बढ़ी चलो। तो मन रखे सब से 4टा मन रखिदेवे। तो चलो जावा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कौन देला द इनक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ ए बॉडी और ऑर्गन। तो आमर से कौन क्वेश्चन कहला आमर बॉडी ऑर्गन आउ साइज रे आमर इनक्रीज हम ताकू आमर कौन कह कहतु सब पूरा सहज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग रो मेन फास्ट पाठ एरा दिखाई। तो कहतु आमर ऑप्शन कौन देला देखु ऑप्शन ए रे देला आमर ग्रोथ ऑप्शन बी रे देला डेवलपमेंट ऑप्शन सी रे देला प्रोग्रेस ऑप्शन डी रे देला मैच्युरेशन। तो कहतु आमर जदि बॉडी रो ऑर्गन सब इंक्रीज हम शारीरिक वृद्धि हम तो सेटा को आमर कौन कहे। तो कहतु सब पूरा सहज अच्छे
तो आम राइट आंसर टी हम ऑप्शन ए ग्रोथ। जदि आमर कौन शारीरिक वृद्धि होमर साइज रे इनक्रीज होता कौन कह ग्रोथ कह डेवलपमेंट कह शारीरिक वृद्धि हे सहित मानसिक वृद्धि हेले डेवलपमेंट कहे। तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। सत नंबर क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ अफगार स्कोर। अफगार स्कोर रो आमर गोटे कंपोनेंट नुहे या भितर तो ऑप्शन देखो तो कौन देला आमर ऑप्शन ए रे देला कलर ऑफ द बॉडी, ऑप्शन बी रे देला हार्ट रेट बीट पर मिनिट, ऑप्शन सी रे देला मसल टोन, ऑप्शन डी रे देला रेस्पिरेटरी रेट पर मिनिट। तो कहतु अफगार स्कोर कंपोनेंट भितर या भितर कोटा नुहे कोटा नुहे अफगार स्कोर भितर जाऊ ना आमर तो कहतु सब तो आम राइट आंसर टी हूँ ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी रेट पर मिनिट। आमर रेस्पिरेटरी रेट पर मिनिटा आमर अफगार स्कोर में जाऊना आम खाली रेस्पिरेसन रेस्पिरेटरी जा बट पर मिनिट अनुसार आम जाऊना से कौन खाली रेस्पिरेसन अनुसार जाऊँगी। तो आउ सब कलर देखा हार्ट रेट देखा मसल टोन भी देखा। तो अफगार फुल फर्म देखते ये चार्टा देखते नेक्स्ट आमर देखो आम अफगार स्कोर आम फुल फॉर्म आम अफगार कौन कौन जाऊँ ए रे एक्टिविटी मसल टोन बेबी एक्टिव अच्छी कि ना पल्स देखा पी फॉर पल्स पल्स देखा बेबी देन जी फॉर रिफ्लेक्स एक्टिविटी बा ग्रीमेस आम रिफ्लेक्स कर बेबी से आम देखा देन ए रे आम आपेरेन्स कलर केमी अच्छी पिंक अच्छी कि येलो अच्छी कि कौन ह्वैट अच्छी। तो आम आपेरेन्स देखा कलर देखा देन आर रेस्पिरेसन रेस्पिरेसन देखा कितना आम क्वेश्चन चिंतला रेस्पिरेशन पर मिनिट अनुसार किंतु सेटा हमर पर मिनिट अनुसार जीवने सेमते रेस्पिरेशन देखा जीवो। तो मन रखिबे अफगार स्कोर रो पूरा फुल फॉर्म तार एक्टिविटी सब कोठी कौन अच्छी मन रखिबे अफगार स्कोर प्रायत तो इंपोर्टेंट अच्छी हमर परीक्षा रे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग रो इंपोर्टेंट अफगार स्कोर। तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। अठर नंबर क्वेश्चन कौन देला एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सर्कमफेरेंस इज अबाउट। आमर क्वेश्चन कौन देला जितने जन्म समय आम हेड सर्कमफेरेंसटा आम के सी अच्छी क्वेश्चन पचारे भितर रो ऑप्शन कौन देला देखु ऑप्शन ए रे देला 30 रु 33 सेमी, ऑप्शन बी रे देला 33 रु 35 सेमी, ऑप्शन सी रे देला 32 रु 45 सेमी, ऑप्शन डी रे देला 33 रु 40 सेमी। तो कहतु आ टाइम रे जो बाथ टाइम रे तार हेड सर्कमफेरेंस टा केते रु केते भीतर रहिबा आवश्यक तो कहतु सब आम राइट आंसर टी हम ऑप्शन बी 33 रु 35 सेमी बा 35 भी आम कही था किंतु अबाउट कहले भितर के आमर कहले 33 रु 35 सेमी आम राइट आंसर कह। तो देखते ये पिक्चर टी तो देखो ये पिक्चर रे केमी हेड सर्कमफेरेंस आमर नि आमर देखु एबव इयर कान उपरकू रखा होबव आईब्रो आमर जो आईब्रो अच्छी ताऊपरकू आमर टैपटा कौन आमर बांधाई कि आमर कौन मेजर करेड सर्कमफेरेन्सटा आमर 33 रु 35 सेमी है आमर नर्माल हेड सर्कमफेरेंस इंचे कले 13 टू 14 इंचेस आमर हूँ नर्माल। तो सेमती देखु हेड सर्कमफेरेंस जमी चेस्ट सर्कमफेरेंस देखु देखो आम चेस्ट सर्कमफेरेंस आउ हाइट केमती मेजर करा देखु आम चेस्ट सर्कमफेरेंसटा आम 30 रु 33 सेमी आमर 2 माइनस हम आम जदि 35 थी 2 माइनस करके 33 होउची आमर चेस्ट सर्कमफेरेंस मन रखिबे हेड सर्कमफेरेंस रु माइनस 2 करदे से आम चेस्ट सर्कमफेरेंस सेमती इंचे कले 12 रु 13 इंच होउची आमर चेस्ट सर्कमफेरेंस मन रखिबे देखु हाइट केमती मपा हो केमती चेस्ट सर्कमफेरेंस मपा हो। तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कौन कहला न्यूबॉर्न बेबी फास्ट पास यूरिन आफ्टर बाथ। कौन क्वेश्चन कहला जितेबाला गोटे न्यूबॉर्न बेबी से फास्ट केत यूरिन पास करोली से क्वेश्चन पचार। तो ऑप्शन कौन अच्छी देखु ऑप्शन ए रे देला विदिन 24 आवर्स, ऑप्शन बी रे देला आफ्टर 24 आवर्स, ऑप्शन सी रे देला आफ्टर 1 डे, ऑप्शन डी रे देला आफ्टर 2 डेज। तो कहतु सब जड़े न्यूबॉर्न बेबी से आफ्टर बर्थ पर केते समय पर से यूरिन पास करे तार फास्ट यूरिन टा केते बेले से पास करे कहतु सब ऑप्शन भितर कोटा हम राइट आंसर हबो।
तो आम रईट आंसर टी हम ऑप्शन ए विदिन 24 आवर्स विदिन 24 आवर्स भितर आमर कौन आमर यूरीन टा पास कर सेमती कौन ना स्टूलटा केत कर स्टूलटा से विदिन 24 आवर्स मध्य से पास कर मन रखिए विदिन 24 आवर्स मध्य से पास कर प्लस यूरीन पास हम प्लस स्टूल पास हम तो से अनुसार बेबी को चेक करेंगे तार यूरीन है कि ना तार स्टूल पास हो ना आम के एम एल गले आम जानवे नर्माल हो कि तो देखता आम पिक्चरटा तो देखो तो आमर 1 ml पर के जी बॉडी वेट आमर एटा आमर मपा जाए तो यूरीन टा आमर 1 ml पर बॉडी के जी अनुसार आमर मपा होची जदि बेबी रो बाथ रे 3 kg अच्छी ताले 1 ml ताकु आमे गुणी दियंतु केते हला 3 ml तो 3 ml से यूरीन पास करिवो एट ए टाइम तो मन रखिबे केते ml सुसु तार बॉडी अनुसार जति के वेट थिवो तार 1 ml ताकु कोन गुणी दबो जति के हबो सेति के ml से माने पास करिवो यूरिन तो जानवे से नॉर्मल हो तो मन रखिए ये काउंटा तो चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पूरा इजी अच्छे प्राय समस्त के आसीबो तो देखो इन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्हिच स्टेज इज कंसीडर्ड टोडलर ग्रुप आमर जो ग्रोथ आउ डेवलपमेंट अच्छी कौ स्टेजटा को टोडलर ग्रुप जाऊे यहाँ मुझे पूर्वर कही तो ये क्वेश्चन टार ऑप्शन कौन अच्छे देखो आमर ऑप्शन ए रे रहला 0 to 28 days ऑप्शन बी रे देला 28 days टू 1 year ऑप्शन सी रे रहला 1 year टू 3 years ऑप्शन डी रे रहला 3 years टू 6 years तो कहतु या भितर आमर कौटा राइट आंसर हम आम जो स्टेज अच्छे जो ग्रोथ आउ डेवलपमेंट रो तो कौ स्टेजा को आम टोटल ग्रुप कनसीडर करे तो कहतु ये प्राय इजी क्वेश्चन अच्छी या पूर्व भी मैं आपण मानक जनई तो ये क्वेश्चन टा आपर छाड़ी आपड़ मत कमेंट मध्यम जनइबे जी प्रथम आंसर दबो तांको नाटा को मु नेक्स्ट वीडियो रे अनाउंस करी आशा करछि आपण पई इजी हेतिबो क्वेश्चन रा समस्त भी हेल्पफुल हेतिबो जदि हेल्पफुल हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दिंतु प्रिपरेशन भी भलरे करंतु आ कम दिन रहिला सॉरी मु आपण मानक पई वीडियो बनै पन्नी तो मोर भी बहुत काम रहउछि तो जते बेले फ्री हेबे आपण पई क्वेश्चन सब आनिबी तो आशा करछि क्वेश्चन सब आपण माने पई हेल्पफुल हबो तो आज पई एतिकी विदाय नउछि नमस्कार जय जगन्नाथ।